Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates. मीरा भाईंदर में इन दोनों चोरों की दहशत मची हुई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह एक चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। ये जो चोरी करने का तरीका है, ये एकदम नायाब है, बिल्कुल नया है। ये पहले तो शटर को एक ताल पत्री से ढक देते हैं और उसके बाद चोरी की घटना को अंजाम देते हैं। ये जो चोरी है शिरडी नगर के नजदीक में हुई है, जो कि नौघर पुलिस चौकी से महज कुछ ही कदमों की दूरी पर है। ये नौघर पुलिस चौकी के लिए ये एक चैलेंज साबित हो रहा है कि नौघर रोड पर स्थित ये दुकान सुबह 3 से 4 के दरमियान यहाँ पर चोरी हुई है। सीसीटीवी के मुताबिक ये हमें पता चला है। जो जितनी यहाँ से महंगी मोबाइलें थी वो वही सारी यहाँ से उठाई गई हैं। और ये लगातार 6वीं ऐसी घटना है जो कि सामने आई है। और यहाँ पे और चोरी ना हो इस तरीके से हम ऐसे पुलिस। मेरा नाम प्रतापपुर है। ये घटना कैसे हुई? ये घटना हुई है 1 मार्च को रात्रि करीबन 2:45 से 3:15 के बीच में, बीपी रोड भवानी इलेक्ट्रॉनिक। तो बीपी रोड एक 24 चलता फलता रोड है। जिस दिन घटना हुई मैंने बाहर के हमारे सामने बिल्डिंग का फुटेज लिया मैंने। वहाँ पर पब्लिक चल रही है, रिक्शा चल रहे है, गाड़ी चल रही है और शोर इसमें गैस वेल्डर से कटिंग कर रहे हैं। पूरा रोड पे प्रकाश हो रहा है। चोरों के इतने हौसले बुलंद है कि आने वाले आजू बाजू की 5 या 6 दुकान में पूरा प्रकाश हो रहा है, रोड पे प्रकाश हो रहा है, मगर फिर भी इनको चोरों को बिल्कुल कुछ पुलिस नाम का कुछ डर भी नहीं इनके अंदर और बिंदास अंजाम दे रहे हैं। और ये करीबन ये चौथी घटना है, सेम घटना है, एक ही गिरोह है और एक ही जैसी वारदात घट रही है मीरा भाईंदर में मोबाइल की दुकानों के अंदर। पुलिस का क्या कहना है इस घटना के बारे में? पुलिस का कहना है कि हमारी पूरी इंक्वायरी चालू है। हमारी 4 टीम काम कर रही है, क्राइम डिपार्टमेंट काम कर रहा है, नौघर चौकी काम कर रही है और बहुत जोर से काम चालू है और बहुत जल्दी इसकी चोरी का पर्दाफाश हो जाएगा। आपका नाम बोलिए। संजय भाटना, मीरा भाईंदर मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक वेलफेयर एसोसिएशन मीरा भाईंदर। ये घटना के बारे में? ये घटना ये मीरा भाईंदर में जबरदस्त घटना हो रही है। 1 तारीख से लेकर 7 तारीख और 11 तारीख पर लगातार चोरी घटना हो रही है। पुलिस प्रशासन के चोर को बिल्कुल डर नहीं है और लगातार सेम कंडीशन में चोरी हो रही है। जो स्टाइल है इनका वो सेम स्टाइल ही है और पुलिस प्रशासन लगातार मिल रहे हैं। पुलिस सहयोग करिए, लेकिन व्यापारी बहुत गुस्सा है। अगर लगातार चोरी हमने नगर पुलिस चौकी इंचार्ज से मिले, भाईंदर में एसपी साहब से मिले, आमदार साहब से मिले, नगर से सबसे मिले, सबसे आश्वासन हमको मिला है, लेकिन कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। ये कार्रवाई अगर नहीं हुई व्यापारी बहुत गुस्सा। मीरा भाईंदर के 500 व्यापारी उससे उभरे हुए रोष है उनके पे, अगर कार्रवाई नहीं हुई तो हम मोर्चा निकालेंगे। दुकान में कितना नुकसान हुआ बता सकते? ये दुकान नुकसान हुआ अभी तक एस्टिमेट नहीं निकाला, अभी अभी जस्ट चोरी हुई है। एस्टिमेट निकाल चोरी मीरा भाईंदर सब मिला के दुकान 35 लाख का चोरी हुआ है। पुलिस से आश्वासन मिला है, जो टाइम दिया हूँ उस टाइम के चल रहे हैं, लेकिन अभी जड़ी छोड़े हमने हुए अभी हमारे बिल्कुल कोई हिंट नहीं मिला, जड़ी छोड़े अभी तक हुआ नहीं। अब पुलिस प्रशासन से भरोसा है ये काम करेंगे, लेकिन व्यापारी बहुत गुस्सा है। हम व्यापारी अगर इस तरह कार्य हुई तो व्यापारी आंदोलन करेंगे।